ओके एडवांस एक्सेल होता क्या है? क्या एक्सेल का कोई अलग फीचर होता है, या एक्सेल के कुछ अलग वर्जन्स होते हैं, या एक्सेल के अंदर के कुछ टॉपिक को बेसिक किस टॉपिक को एडवांस कहा जाता है? तो पहले चीज को जान लीजिए, एक्सेल में कोई भी चीज बेसिक या कोई भी चीज एडवांस नहीं होता है, वो डिपेंड करता है हमारे यूज के ऊपर। ठीक है, एक बिल्कुल एग्जांपल देना चाहूंगा कि मैंने यहाँ पे 20 टाइप किया हुआ है और यहाँ पे 30 टाइप किया हुआ है। अगर हम 20 को कॉपी करके 30 के ऊपर पेस्ट करते हैं तो 30 रिप्लेस बाय 20। अब चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम पेस्ट ना करके पेस्ट स्पेशल करते हैं, और पेस्ट स्पेशल में ऑपरेशंस के अंदर हम कैलकुलेशन लेते हैं। जैसे हमने ले लिया ऐड, ऐड क्या कर दिया, इन दोनों के बीच में जो एडिशन होगा रिजल्ट 50 होगा, 50 को पेस्ट कर दिया। ठीक है, ओके यहाँ 50 की जगह पे आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 1000 पेस्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन आता है कि इसका यूज क्या, क्योंकि इसको बेसिक कह सकते हैं। अब इसी चीज को हम एडवांस एक्सेल में बताएंगे। सबसे पहले एक प्रॉब्लम क्रिएट करके दिखाएंगे। तो बेसिकली अगर मुझे 20% लिखना है तो 20% का सिंबल आ रहा है, यहाँ 20% आ जाएगा। ठीक है, लेकिन मैंने अगर 20 टाइप करके एंटर कर दिया, फिर 20 को सिलेक्ट किया, फिर परसेंट किए, तो 2000% होगा, क्योंकि एक्सेल जी में 1 इक्वल टू 100% होता ओके है। तो अगर मुझे बाद में परसेंट का सिंबल लगाना है तो 0.20 टाइप करेंगे और देन हम परसेंट का सिंबल लेंगे। ठीक ओके है, अब यही प्रॉब्लम होता है कि मेरे पास कुछ डेटा कोई भेजता है, ठीक है, जी कोई डेटा मुझे कोई भेज रहा है, ऐसा देख पा रहे हैं, किसी ने मुझे जी भेजा, राइट। जी अब प्रॉब्लम है कि मेरे जो कलीग ने डेटा भेजा उनके अकॉर्डिंग ये 28% है, बट है तो 28 नंबर। अगर मुझे जी 500 का 28% चाहिए, तो अगर 28% सिंबल में लिखा हुआ है परसेंटेज फॉर्मेट में, तो हम इन दोनों को सेलेक्ट करके इजीली मल्टीप्लाई कर देंगे। जी ठीक है, जी लेकिन 28 हमने इस तरह से लिख दिया, नंबर में लिख दिया, तो क्या होगा अगर मल्टीप्लाई करते हैं, तो प्रॉब्लम क्या होगी? ठीक 14,000 है सर, तो हमें फॉर्मूले को चेंज करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा। अब यही जी प्रॉब्लम है कि मुझे इसको अगर कॉपी करके कहीं यूज करना है, वहां मुझे परसेंट पे चाहिए, नंबर में नहीं चाहिए, क्योंकि वहां जो फॉर्मूला इस तरह से लगा है, इस तरह से नहीं लगा हुआ है, और फॉर्मूले को चेंज नहीं जी करना चाहता मैं, तो कैसे जी करें? तो मेरे पास दो ऑप्शन है, पहला कि मैं एक एक करके जाऊं और इस तरह का परसेंटेज सिंबल लगा दूं, पर प्रॉब्लम क्या होगा कि डेटा अगर अभी छोटा है, लेकिन ये डेटा 10-20 हजार का हुआ, तो एक एक करना तो मुश्किल हो जाएगा ना सर। दूसरा तरीका है कि 0.28 इस तरह से मैं लिखूं और परसेंट का सिंबल कर दूं, लेकिन मैं डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करूं? इसके लिए हम इसी फीचर का इस्तेमाल करेंगे जो मैंने अभी C6 में समझाया आपको। मैं 100 यहां टाइप करूंगा, इस 100 को कॉपी करूंगा और इस पूरे एरिया को सिलेक्ट करके राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल, और इसमें मैं करूंगा डिवाइड, डिवाइड बाय 100। जैसे ओके किया, अब देखिए आपके सामने रिजल्ट आया, परसेंटेज कन्वर्ट कीजिए, परसेंटेज हो गया इन शॉर्ट। अब सेम चीज मैंने आपको C6 में समझाया, तो वहां आपको लगा होगा कि तो छोटा मोटा चीज है, लेकिन जब एक प्रॉब्लम क्रिएट किया तब तो आपको समझ में आया कि नहीं नहीं ये तो बहुत अच्छी चीज है, राइट सर। तो हमारी वही एडवांस एक्सेल की क्लासेस में इसी तरह की टॉपिक कराई जाएगी। तो जब क्लासेस आप करेंगे तो आपको इस तरह की रिपोर्ट जो सामने भी दिख रहा है, इस तरह की रिपोर्ट, ये डेटा है आपके सामने, ये 8000 का डेटा है, इस तरह के डेटा पे इस तरह का रिपोर्ट बनाना कोई खास बात नहीं होगी, इसको आप बहुत कम एफर्ट के साथ बना सकते हैं। ओके ठीक है, ठीक है तो बेसिकली पूरा कोर्स जो है एडवांस एक्सेल विथ फॉर्मूला जो है डैशबोर्ड रिपोर्ट ऑटोमेशन पे जुड़ा हुआ है,
किस तरह से आप अपनी डैशबोर्ड्स की रिपोर्ट ऑटोमेशन कर सकते हैं, क्या क्या टॉपिक कवर है, आपको मैंने पीडीएफ फाइल भेजा है, उस पर आप देख सकते हैं। साथ में हर दिन क्लासेस इसी तरह से लाइव होगा, कुछ भी पूछना होगा आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक ओके है। आप मेरे साथ लाइव रहेंगे, इस बैच में दो तीन बच्चे ही होते हैं, एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, क्योंकि ये क्लासेस एक्सपर्ट लेवल की होती है, इसलिए हम कोई बड़ा बैच नहीं रखते, 100-200 लोगों का बैच नहीं रखते। क्यों? क्योंकि फिर आपके जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस आप नहीं पूछ पाएंगे, जी ठीक है, ठीक इसलिए कोई बड़ा बैच नहीं होता। आप अपने ऑफिस की प्रॉब्लम ऑफिस भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, कि सर मुझे ऑफिस में प्रॉब्लम आ रही है, इसको कैसे करेंगे, तो भी आपको हम समझा देंगे। तो हर तरह की चीजें हम कवर करते हैं आपके साथ। टेलीफोनिक सपोर्ट रहेगा, कभी प्रॉब्लम हुई मुझे कॉल कर सकते हैं। हर क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगा, प्रैक्टिस फाइल मिलेगी, आर्टिकल्स मिलेगा पढ़ने के लिए, और साथ में रीज्वाइनिंग फ्री रहेगा। क्लास का ड्यूरेशन 45 मिनट के आसपास होगा, कभी कम कभी ज्यादा, और डिपेंड करेगा आपके क्वेश्चंस के ऊपर कि क्या आप कितने क्वेश्चंस आप पूछ रहे हैं, ओके ठीक है। क्लासेस मंडे ठीक टू है फ्राइडे चलेंगे।